उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हुए, लोगों के खेत बर्बाद हुए, बस चालकों को आज तक उनका वेतन नहीं मिला है। मेरे को बहुतों ने ये संज्ञान में लाया। तो ये है हमारे महान प्रधानमंत्री जी की करनी कथनी में इतना विरोधाभास, ये हम सबको पता होना चाहिए और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और हमारी ये आपको शायद जानकारी होनी चाहिए, पूर्व में जो संचार मंत्री बालू राय थे, उन्होंने जो टेलीकम्युनिकेशन था उसमें बहुत कुछ बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सरकार ने द्वारा से और जनगण ने जो पांच बार की बल्ब है वो हमारा बल्ब बिजली का फिर देखिए, ये हमारी मांग, हमारा आक्रोश, हमारा विरोध, हमारा प्रतिरोध। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ इनकी आदत पड़ गई है, इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है सर, जो सत्ता के नशे में मस्त हैं कि आए दिन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, कल फिर 35 पैसे बढ़े हैं। तो उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। अपनी भावनाएँ जो जनता से संबद्ध करते हुए, जनता पीड़ित है, जनता आज आक्रोश में है, जनता आज त्राही त्राही कर रही है इस महंगाई को, और उसकी वजह से इन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की वजह से उसका असर फल और सब्जियों पे जो महंगाई हो रही है, बढ़ रही है, वही मूल कारण है। तो हम आज ये महंगाई कहाँ ले जाएगी, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब 5-2 पैसे का डिवेल्यूएशन रुपये में होता था, 5 पैसे अगर बढ़ जाते थे पेट्रोलियम पदार्थों में तो कहते ये कैसी सरकार है, ये है, और मैं आऊँगा तो 2 दिन में ये कर दूँगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आके कुछ कीजिए तो सही, गाल बजाने से कुछ नहीं होता, देश चलाना और गाल बजाना बहुत विपरीत चीज़ें हैं।